नमस्कार दोस्तों रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेडियोग्राफिक फिल्म आज हम टाइप ऑफ रेडियोग्राफिक फ़िल्म के बारे में पढ़ेंगे रेडियोग्राफिक फ़िल्म का क्लासिफिकेशन हम तीन बेसिस में कर सकते हैं पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट सेंसिटिविटी इसके आधार पर हम फिल्म को मोनोक्रोमेटिक फिल्म ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म और पेनक्रोमेटिक फिल्म के रूप में डिवाइड कर सकते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ इमल्शन लेयर फिल्म को दो भागों में बांट सकते हैं डबल इमेंशन फिल्म इसके अंदर इमल्शन की दो लेयर होती है सिंगल इमेंशन फिल्म इसमें इमल्शन की एक ही लेयर होती है डबल इमलशन फिल्म को भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं इन टू स्क्रीन फिल्म एंड नॉन स्क्रीन फिल्म स्क्रीन फिल्म का उपयोग इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ किया जाता है नॉन स्क्रीन फिल्म का उपयोग इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ नहीं किया जाता स्क्रीन फिल्म के अंदर जनरल रेडियोग्राफिक फिल्म आती हैं और नॉन स्क्रीन फिल्म के अंदर डेंटल फिल्म और रेडिएशन मॉनिटरिंग फिल्म आती है इसी प्रकार सिंगल इमोजन फिल्म को भी स्क्रीन फिल्म और नॉन स्क्रीन फिल्म में डिवाइड किया जा सकता है स्क्रीन फिल्म के अंदर मेमोग्राफिक फिल्म आती है नॉन स्क्रीन फिल्म के अंदर डुप्लीकेटिंग फिल्म फोटो फ्लोग्राफिक फिल्म सब्सट्रैक्शन फिल्म स्ने फ्लोरोग्राफिक फिल्म और लेजर फिल्म आती है एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ फिल्म हम इनको तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं स्टैंडर्ड फिल्म फास्ट स्पीड फिल्म एंड अल्ट्रा स्पीड फिल्म ऑन द बेसिस ऑफ लाइट सेंसिटिविटी फिल्म को तीन भागों में बांटा जाता है पहला है मोनोक्रोमेटिक फिल्म ये ब्लू लाइट से सेंसिटिव होती हैं इसीलिए इनको ब्लू सेंसिटिव फिल्म भी कहा जाता है ऑर्थोक्रोमेटिक फिल्म ये फिल्म ग्रीन लाइट से सेंसिटिव होती हैं इसीलिए इनको ग्रीन सेंसटिव फिल्म भी कहा जाता है पेनक्रोमैटिक फिल्म दीज फिल्म आर सेंसिटिव टू ऑल कलर ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम चलिए देखते हैं रेडियोग्राफिक फिल्म का क्लासिफिकेशन इमल्शन लेयर के आधार पर कैसे होता है पहला है डबल इमल्शन फिल्म इन फिल्म में बेस के दोनों तरफ इमल्चन की लेयर होती है और इनका प्रयोग डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट के साथ किया जाता है इसका उपयोग जनरल रेडियोग्राफी में होता है लाइक डूइंग एक्सरे ऑफ चेस्ट एपडोवन और एलेसपाइन एडवांटेज की बात करें तो ये पेशेंट के रेडिएशन डोज को कम करते हैं और डेंसिटी भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिलती है इसके अंदर क्योंकि दोनों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से इमिट होने वाली लाइट को हम यूटिलाइज करते हैं इट आल्सो प्रवेंट कर्लिंग टेंडेंसी ऑफ द फिल्म डिसएडवांटेज की बात करें तो देयर इज अ लॉस ऑफ इमेज क्वालिटी ड्यू टू क्रॉसओवर जिसको आप इमेज अनसाफनेस भी कह सकते हैं एंड सेकेंड इज सिंगल इमल्शन फिल्म इस फिल्म के बेस के एक ही तरफ इमल्शन की लेयर होती है इसका प्रयोग हम सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट के साथ करते हैं इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो काफ़ी हाई होता है इसीलिए इसका प्रयोग मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड डी एस और एम में किया जाता है थर्ड इज नॉन स्क्रीन फिल्म जिसको हम डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म भी कहते हैं इसका जो इमल्शन होता है वो स्क्रीन फिल्म के मुकाबले में काफ़ी थिकर होता है और इसके अलावा जो सिल्वर हैलाइट क्रिस्टल की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी स्क्रीन फिल्म के मुकाबले में ज़्यादा होती है इसकी सेंसिटिविटी एक्सरे के प्रति ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लाइट और इसको हम बिना इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के यूज़ करते हैं इट इज़ यूज विद कार्डबोर्ड कैसेट इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो मैनअली होती है क्योंकि इसका जो इमल्शन होता है वो काफ़ी थिक होता है इसके अलावा ये फिल्में हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोड्यूस करती हैं इसीलिए इनका प्रयोग एक्सटमेटी रेडियोग्राफी में होता है क्योंकि वहाँ पर फाइन डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है इसके अलावा इन फ़िल्म को प्रोसेस करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है इन फिल्म का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि ये पेशेंट की रेडिएशन डोज को बढ़ा देते हैं साथ साथ इनकी स्पीड भी कम होती है फोर्थ इज स्क्रीन फिल्म इनका उपयोग हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ करते हैं ये डबल इमेंशन फिल्म भी हो सकती है और सिंगल इमेंशन फिल्म भी हो सकती हैं फिफ्थ इज रेडिएशन मोनिटरिंग फिल्म ये डबल इमेंशन फिल्म होती है और इस फिल्म के बेस के एक तरफ हाई स्पीड इमेंशन होता है और दूसरी तरफ स्लोअर इमेंशन होता है सेकेंड इज डेंटल फिल्म ये डबल इमेंशन फिल्म होती है एंड इट इज़ यूज विदाउट इंटेंसीफाइंग स्क्रीन अगर टाइप की बात करें तो ये तीन प्रकार की होती हैं फर्स्ट इज़ पैरियापिकल फिल्म सेकेंड इज अकलूजल फिल्म थर्ड इज़ बाइट विंग फिल्म First is periapical film, it is used for single or group of teeth. Second is occlusal film, it is used for imaging mandible, maxilla, and nasal bone. Sometimes it is used to localize foreign body on the floor of oral cavity. Third is bite wing films, it is used to demonstrate the tooth crown. सेवन्थ इज मेमोग्राफिक फिल्म ये फाइन ग्रेन सिंगल इमेंशन फिल्म होती है जिसका प्रयोग सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट में किया जाता है इसका रेजोल्यूशन काफ़ी हाई होता है मतलब इसकी डिटेल काफ़ी बेहतरीन होती है एर्ट इज़ डुप्लीकेशन फिल्म ये भी सिंगल इमेंशन फिल्म होती है जिसको अल्ट्रावाट लाइट से एक्सपोज किया जाता है थ्रू द एग्जिस्टिंग रेडियोग्राफ टू प्रोड्यूस अ कॉपी इसके अंदर सोलोराइजेशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है स्टेट अ लार्ज एक्सपोजर प्रोड्यूस ए रिडक्शन इन इमेज डेंसिटी। इसकी इमल्शन साइड साइनी होती है और अदर साइड इसकी डल होती है इसका प्रयोग कंप्लीट डार्कनेस में किया जाता है फोटो फ्लोरोग्राफिक फिल्म सिंगल इमेंशन फिल्म होती है इट रिकॉर्ड इमेज प्रोड्यूस एट आउटपुट स्क्रीन ऑफ इमेज इंटेंसिफायर एंड फ्लोरोसेंट स्क्रीन ऑफ कैमरा सिस्टम सच एस एम एम आर जिसको हम मास मैनीचर रेडियोग्राफी भी कहते हैं सबस्ट्रैक्शन फिल्म सिंगल इमोनशन फिल्म होती है और इसका प्रयोग एंजियोग्राफी में किया जाता है क्योंकि इसका इमेज कंट्रास्ट काफ़ी हाई होता है सिने फिल्म भी सिंगल इमोनशन फिल्म होती हैं और ये दो साइज में अवेलेबल होती हैं सिक्सटीन एम एंड थर्टी फाइव सिने फ्लोरोग्राफी एक स्पेशल एग्जामिनेशन है जिसका प्रयोग कार्डियक कैथेटराइजेशन में किया जाता है लेजर फिल्म इट इज़ अ सिंगल इमेंशन फिल्म एंड इट इज डिज़ाइन टू यूज़ विथ लेज़र कैमरा एंड इट इज यूज टू प्रोड्यूस इमेज फॉर सिटी डी आर अल्ट्रासाउंड एंड एम आर आई इट इज सेंसिटिव टू रेड लाइट इमेटेड बाई लेजर देयर इट मस्ट बी हैंडल इन कम्प्लीट डार्कनेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ फिल्म रेडियोग्राफिक फ़िल्म को स्टैंडर्ड और पार स्पीड फिल्म फास्ट स्पीड फिल्म और अल्ट्रा स्पीड फ़िल्म में डिवाइड किया जा सकता है यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा जो हाई स्पीड फिल्म होती है उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है इसीलिए वो कम एक्सपोज़र लेती हैं जिससे पेशेंट की रेडिएशन डोज कम हो जाती है लेकिन इन फिल्मों पर रेजोल्यूशन या डिटेल कम मिलती है उसी प्रकार स्लो स्पीड फिल्म की सेंसिटिविटी कम होती है वो ज़्यादा एक्सपोजर लेती है जिसकी वजह से पेशेंट का एक्सपोज़र डोज बढ़ जाता है लेकिन फिल्म पर रेजोल्यूशन और डिटेल बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है बस यही था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद